हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस समय शाम के 7 बजने वाले हैं, मतलब 6:30 और 7 के बीच का टाइम है। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जो नया गेट लग गया ना, अभी बताया था मैंने कि गेट हम लोग चेंज कराने वाले हैं, तो चलिए मैंने सोचा आप लोग को दिखाई दें। तो ये देखिए, पूरी तरह से गेट को चेंज नहीं कराया गया, बस उस पर मतलब थोड़ा सा ऊँचा करा दिया गया है, और ये हरी वाली जो क्या कहते हैं यार, नाम नहीं आ रहा, उसे लगा दिया गया है, जिससे बाबू अपना सर अंदर ना डालें। और ऊंचा हो गया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक किया ना, गेट को ऊंचा करा लिया और उसमें लगा दिया क्या कहते हैं उसे, आप लोग बताइएगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। और यहाँ पे राज बैठे हुए हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, ऑफिस से आ चुके हैं, चाय भी इन्होंने पी लिया है। और चीकू नहीं दिख रहा है क्योंकि चीकू गए हैं टहलने, बगल में ही हो गए हैं, बगल में मतलब रोड पर ही टहल रहे हैं बस 10 मिनट के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा टहला दो, उसका भी मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि घर में रहते रहते वो भी बोर हो जाता है। तो चलिए मैं अपने किचन गार्डन में दिखाती हूँ मैंने अपने किचन गार्डन में क्या लगवाया है। मैं पहली बार जा रही हूँ देखने, क्योंकि माली से मैंने बोल दिया था, बीज भी मैंने दे दिया था लगा दो। तो चौराई आप लोग जानते हो, जो पालक होती है, एक रेड वाली पालक होती है, एक चौराई आती है, तो वही बीज मैंने यहाँ पर डलवाया था। देखो निकला नहीं है, क्योंकि चौराई की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पालक, और ये देखो निकला ही नहीं है, मतलब पौधे ही नहीं आए हैं। मूली भी मैंने डलवाया था, भिंडी भी डलवाया था, तो मूली वूली कुछ भी नहीं दिख रही है, लगता है यहाँ की ज़मीन ही नहीं अच्छी है ना। तो क्या किया जाए, देखते हैं, कुछ दिन में शायद निकल ही आए। तो अब चलेंगे अंदर और फिर चाय पीते हैं, और बाबू भी आ जाता है अभी थोड़ी देर में। और मेरी लाइफ ऐसे ही है, देख रहे हो, मैं मुँह पे सुबह भी फेस पैक, रात में भी फेस पैक, जब देखो यही काम, जब बाबू से फुर्सत पाती हूँ तो फिर अपना काम करती हूँ। ये फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का मैंने लगाया, आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं अपने बच्चे से, बहुत ज़्यादा। ये देखो क्या उसने किया है, अभी अभी मैंने ये बुके मंगाई थी और सारा फूल इसने तोड़ डाला है, तो उसको छिपा करके मैंने रखा है। मैं मतलब उसको दे दी थी, खेल रहा था, और एक एक फूल तोड़ तोड़ के पूरा फैला दिया है, और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, रोने का मन हो रहा है। डांट रही थी मत कर मत कर, और 2 मिनट के लिए मैं चली गई थी, और 2 मिनट में उसने पूरा हाल कर दिया। तो चलिए फेस पैक जब तक सूखता है, उसके बाद मैं उसको हेयर पैक भी लगाना है, और आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने अभी एक फेस पैक बना के रखा है, इसे फ्रिज में रखना है, उसका वीडियो कल सुबह शूट होगा। और ये हेयर पैक है दही, इसको भी बालों में लगाएंगे, और बहुत अच्छा है। इसका वीडियो शायद आप लोगों ने मेरे फर्स्ट चैनल पर डाला है कि दूसरे चैनल पर, याद नहीं है मुझे। बहुत अच्छा फेस पैक है, तुरंत ही आपके बालों को ना, सॉरी हेयर पैक है, आपके बालों को कंडीशनर का काम करता है, और बहुत स्मूथ हो जाते हैं आपके बाल। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो मैंने फेस पैक लगाया था उसे देखिए क्लीन कर लिया, अब चल रही हूँ हेयर पैक लगाने, और समय रात के 9 बज रहे हैं, और बाल में फटाफट मैं हेयर पैक लगाऊंगी, फिर चीकू को खाना खिलाऊंगी, थोड़ा बहुत जो खाएगा खाएगा। और बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सुबह हमें निकलना है प्रयागराज, घर जाना है, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं बेटियाँ। मेरी बेटियाँ भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 15 दिन के बाद मैं जा रही हूँ घर। तो मैंने सोचा कि 2-3 वीडियो शूट करके रख लेंगे ना दोनों चैनल के लिए, तो फिर मुझे वहाँ उन लोगों को फुल टाइम देख सकती हूँ, फिर मुझे वहाँ कोई टेंशन नहीं होगी, वीडियो की भी टेंशन नहीं होगी, और वहाँ पर मैं चैनल का कोई भी काम नहीं करूँगी। तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मैं 2 से 3 वीडियो शूट करके रख लेती हूँ कि जाने के बाद मैं उन लोगों को पूरा टाइम दूँ, और जाने के बाद मैं वहाँ पे हेयर पैक फटाफट लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। हाय फ्रेंड्स, और ये सुबह का टाइम है, तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। अभी तक ने आपने मेरे आंगन में आम का पेड़ देखा था, आज मैं आपको दिखाती हूँ अमरूद। बहुत सारे अमरूद लगे हैं, बट किसी काम के नहीं हैं वो, क्योंकि फीके हैं, मीठे नहीं हैं, बट देखने में बहुत क्यूट हैं। ये देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी कच्चे हैं ना, तो उसमें कीड़े नहीं लगे हैं, और जब ये थोड़े कच्चे क्या पके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ना, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये जो मौसम होता है ना, इस समय में अमरूद में कीड़े लग जाते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो बंदर रोज़ सुबह के इसका नाश्ता करके जाते हैं, और आम भी खा करके जाते हैं। ये देखो खा खा के काट काट के गिराए हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं, और बस चल रही हूँ मैं, अब फिर चल रही हूँ अब मैं नहाने,
और नहाने के बाद आज जाना है घर, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक निकल जाएं यहाँ से। तो चलिए फटाफट नहा लेते हैं, और नहाने के बाद मुझे कुछ काम है इसलिए आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ। और बाबू भी सो रहा है और रात में बारिश हुई थी यहाँ पर। तो ये देखिए, मतलब रोज़ यहाँ से आम गिरते रहते हैं, सुबह सुबह बंदर आ जाते हैं ना, तो तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा मचाते हैं, आम खा खा करीब फेंके हुए हैं। और चलते हैं अंदर, उसके बाद नहाना धोना है और एक फेस पैक भी फेस पे लगाना है, और बाबू को जगाना भी है, बहुत सारा काम है। फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद जब नहा धो लेंगे, मतलब नहाना वाना हो जाएगा। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि डर रहता है ना कि बंदर का बंदा चले आए, क्योंकि आते जाते रहते हैं तो अंदर आ जाएंगे ना। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो हाय फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहनी है साड़ी, और अभी जस्ट मैंने वीडियो भी शूट कर लिया है दो। अब इसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं रेडी हो चुकी हूं, और बाबू जा करके गाड़ी में बैठ चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी हरी हरी चूड़ियाँ, और मुझे हरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत ही मन हो रहा था, तो मैंने आज हरी चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि अब सावन भी लगने ही वाला है और हाथों में हरी चूड़ियाँ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये मेरी जो साड़ी है ना, ये साड़ी मेरी शादी के टाइम की है, मतलब जितने साल मेरी शादी को हो गया ना उतने साल पुरानी ये साड़ी है, और इसे मैं 14 साल बाद पहन रही हूँ आज। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी ज़रूर बताइएगा, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए दिखाते हैं, चीकू जाके पहले ही गाड़ी में बैठ गया है, मैं वीडियो शूट करी थी तभी, और बस उसने नहाया है और ड्रेस अभी पहना नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं उसको, मतलब उसको पता चल जाता है जिस दिन घर चलना है तो वो पहले से ही जा करके बैठ जाता है। हम नहीं जाएंगे, जाओ जाओ, हम नहीं जाएंगे, जाओ जाओ, गर्मी लग रही है। और ये देखिए, बिना कोई नाश्ता किए नहला धुला दिया गया था, बस ऐसे आके बैठ गए हैं, और साथ में अपना बेबी भी ले आए हैं। तो इनको उतारती हूँ, इनको कपड़े पहनाती हूँ, और इन्हें मैगी खिलाती हूँ, क्योंकि इनके लिए मैगी बनी है और मैं भी थोड़ी सी खा लेती हूँ। और ये मैगी सुजीत ने बनाया है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई है, फिर भी मैं 2 स्पून मुँह में डालूंगी डालूंगी। तो चलो खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। नहीं बैठे रहे तो हम सही कर लेंगे। और यहाँ पे राज भी आ गए हैं, सबसे लास्ट में ये निकलते हैं क्योंकि अपने रूम का लॉक करते हैं और बाकी रूम मतलब खुले रहते हैं, बस 2 रूम हम लोग लॉक करते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, और इन्होंने सुजीत को बताया है कहाँ पौधों में पानी डालना है, गेट में ताला लगा के रखना है कि गैया ना आ जाए। तो चलिए अब निकलते हैं सुहाने सफ़र पे, कितना सुहाना सफ़र है, मतलब मौसम बहुत अच्छा हुआ। और ये झील ना कितनी प्यारी लग रही है, मुझे ये झील ही लग रही है, पता नहीं नदी है झील है क्या है मुझे नहीं पता। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, और इस तरह का व्यू कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल हरा भरा हो और ऐसे हम बस चलते जाए, तो मौसम सुहाना है आज का। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज, अपने घर, अपना घर अपना घर होता है, और दोनों बच्चों को वहाँ छोड़ के यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मजबूरियाँ हैं कुछ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इलाहाबाद में एंट्री कर चुके हैं प्रयागराज में, और ये हमारा घर है, ठीक है? और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर जगह से अच्छा मुझे प्रयागराज में ही लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा लगता है। तो चलिए अब घर चलते हैं, और ये जो टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, और 2 घंटे लगते हैं, हम लोग थोड़ा लेट निकले, मतलब वीडियो शूट करने में और पैकिंग करने में, बच्चे को, अब बच्चा छोटा है ना तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, यहाँ थोड़ा धूप निकली हुई है, और मतलब मौसम साफ है, साथ बारिश यहाँ पे नहीं हुई है। तो फिर आपको मैं मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और राशि लोग कैमरे के सामने आएंगी तो राशि से आप लोग को ज़रूर मिलाऊँगी, ठीक है? तो आप अपना ध्यान रखिए।